नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका यानी जैसा कि हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग इससे पहले दो थ्योरम देख चुके हैं, आज तीसरा थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक एल बार आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा एट द पॉइंट विद वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा। तो इसको यदि आप इससे पहले वाला वीडियो जिसमें हम लोग टेंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बताए हुए हैं, जो कि दो पॉइंट कॉनिक पर कोई भी है तो उसका कॉर्ड जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनता है उसका इक्वेशन क्या होगा, यदि आप उस चीज को देख चुके हैं तो इसे समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ करने क्या वाले हैं, आपको थोड़ा सा फिगर हम समझा दें। जैसे कि हमें निकालना है कि किसी पॉइंट पी पर जो टेंजेंट होगा इस कॉनिक पर कोई पॉइंट पी है उस पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, और उस पॉइंट P के लिए कंडीशन क्या है कि उसका वेक्टोरियल एंगल आपको क्या है अल्फा दिया हुआ है। यहां हम एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसका वेक्टोरियल एंगल जो है यहां अल्फा है, तो इसका और डिस्टेंस जो है यहां से R1 है, तो ये हो गया आपका R1 अल्फा, इसका कोऑर्डिनेट जो है पोलर कोऑर्डिनेट। इसी तरह फिर यही S पॉइंट से हम जो है एक Q पॉइंट और ले लेते हैं यहां पर जो है, और जो R2 डिस्टेंस पर है, और इसका जो है कोऑर्डिनेट ये इनिशियल लाइन के साथ में जो है बीटा एंगल बना रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आर टू बीटा, ये हो गया। ठीक है, तो हमें जो है सबसे पहले निकालना क्या है, तो यही दोनों पॉइंट जो पी क्यू है, जो दोनों पॉइंट आपका कॉनिक पर है, इसको ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगा उसका इक्वेशन क्या है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो कॉर्ड का इक्वेशन सिमिलर वे में हम लोग जैसे पहले चले थे उसी तरह चलेंगे, और जब हम आपसे पूछेंगे कि ये जो कॉर्ड है, हमें तो कॉर्ड का इक्वेशन निकालना नहीं है, हमें तो टेंजेंट का निकालना है सिर्फ पी पर, क्यू पर का तो हम बनाने के लिए लिए हैं। तो देखिए, जब हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे इस कॉर्ड का, तो उसके बाद आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे हम बोले कि यहाँ पर कोई पॉइंट आपका क्यू है और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो जब हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे तो इसका एंगल है आपको यहाँ ये बना रहा है आपको अल्फा एंगल, और ये जो है इसका एंगल बीटा है, इसका एंगल बीटा है आपको ये, इसका एंगल अल्फा है। तो हम ये बोलेंगे कि जब आप इसको जो है यहां पर लाइएगा, बी को इधर आप धीरे धीरे नीचे की ओर लाइएगा, तो बीटा घटते जाएगा, ये अल्फा यानी बीटा माइनस अल्फा होते जाएगा, ये बीटा जो है अल्फा की ओर घटते जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग में जब आप यानी टेंजेंट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक ही पॉइंट लाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टेंजेंट होगा। तो जब आप Q को P पर ही ले आते हैं तो उस इक्वेशन में ये लाइन आपका P पर ऐसे टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेंजेंट कब होगा, जब Q पॉइंट जो है P पर आ जाएगा, और ऐसा तब होगा जब अल्फा जो है बीटा के बराबर होगा। तो पहले हम इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालेंगे पी और क्यू का, उसके बाद जो है इसको हम अल्फा बीटा के बराबर कर देंगे, जिसके अनुसार ये क्यू पॉइंट पी पर ही आ जाएगा और ये टेंजेंट बन जाएगा। तो आइए काम करते हैं हम लोग। तो लैंग्वेज जो है इसके रिलेटेड जो लैंग्वेज है, इसे पहले सवाल से आप लोग नोट कर लीजिएगा कि एस को ही फोकस है और दो पॉइंट हम पी और क्यू पर लिए हैं। डायरेक्ट हम यहाँ सवाल में यानी काम कर रहे हैं, पहले वीडियो में भी सेम इसी तरह का लिखा हुआ है, तो कॉर्ड के से रिलेटेड आप पहले देख लीजिएगा। पहले हम यहां लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक का दिया हुआ इक्वेशन कितना है, एल बाय आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। इसको हम लोग कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सपोज करिए हम लोग मान लिए फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल We have to find the equation of cord PQ। सबसे पहले हमें cord PQ का equation निकालना है, तो पहले मान लेते हैं L by R is equal to A cos theta plus B sin theta, be the equation of cord PQ। मान लिए कि ये जो है equation of cord PQ है, क्योंकि ये एक straight line है और straight line का polar के form में equation क्या होता है ये हम बता चुके हैं इससे पहले वाले video में जो है।
तो इसको इक्वेशन वन माने हैं, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेंगे टू, ठीक है। अब आप देखिए, क्योंकि ये जो है कॉर्ड पी क्यू का इक्वेशन है, तो पी और क्यू पॉइंट भी इस पर है, तो लिखेंगे सिंस पॉइंट पी एंड क्यू लाइज ऑन कॉर्ड पी क्यू, पी क्यू पर ये पॉइंट पी और क्यू लाइज कर रहा है, तो देन इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई, देन इट्स कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन, कॉर्ड के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम बोलेंगे फोर पॉइंट पी, जब पॉइंट पी के लिए हम बोलेंगे तो देखिए ये आर थीटा के लिए ये इक्वेशन आपका बना है, और इस पर जब आर वन अल्फा भी लाइक कर रहा है तो आर वन अल्फा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आर वन अल्फा इसके लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, एल बाय आर की जगह आर वन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा प्लस बी साइन अल्फा, ये आपका हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन आप थर्ड, ठीक है। इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे फोर पॉइंट क्यू चलेंगे, फोर पॉइंट क्यू पॉइंट के लिए जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा एल बाय आर टू इज इक्वल टू ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा, ये आपका हो गया, इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन फोर, सॉरी फोर हो गया ये। तो आप देखिए कि हम कुछ नहीं किए, जो ये कॉर्ड का इक्वेशन था और कॉर्ड पर ही पॉइंट पी और क्यू है तो इसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसी तरह जो है ये जो पॉइंट पी और क्यू है ये आपका कॉनिक पर भी है, सिंस पॉइंट पी एंड क्यू लाइज ऑन कॉनिक, ये कॉनिक पर भी लाइज कर रहा है, तो ये पॉइंट जब कॉनिक पर भी लाइज कर रहा है तो कॉनिक के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए कॉनिक के इक्वेशन पर फोर पॉइंट पी जब करेंगे हम, फोर पॉइंट पी, पॉइंट पी के लिए जब हम करेंगे तो पी का कोऑर्डिनेट कितना है आर वन अल्फा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा एल बाय आर वन इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा, ये हो गया। और इसी तरह फोर पॉइंट क्यू करेंगे, फोर पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा एल बाय आर टू इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस बीटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका हो गया, ध्यान दीजिए ये हम फोर माने हैं, ये आपका हो गया फाइव और ये हो गया आपका सिक्स, फाइव और सिक्स ये इक्वेशन निकल गया। अब आप देखिए यदि हम बोलेंगे फ्रॉम थ्री और फाइव, थ्री और फाइव से देखिएगा एल बाय आर वन, एल बाय आर वन यहां भी है तो एल एच एस बराबर है, तो हम करेंगे फ्रॉम थ्री इक्वेशन थ्री एंड फाइव, थ्री और फाइव को जब हम देखेंगे तो उसके अनुसार एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा, ये हो गया। तो इसको ये देखिए कॉस अल्फा यहाँ भी है, कॉस अल्फा वाले को इधर जब लाइएगा तो ए और ई इधर से माइनस में आ जाएगा, ए माइनस ई कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा बराबर वन आ गया। फिर देखिए अगेन आप चलिएगा फ्रॉम, हम लोग चलेंगे कहाँ से, फोर और सिक्स को देखेंगे तो यहाँ भी एल बाय आर टू, यहाँ भी एल बाय आर टू, एल एच एस बराबर है। फ्रॉम फोर एंड सिक्स, फोर और सिक्स को हम लोग जब देखेंगे एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहां लिखेंगे ए कॉस बीटा प्लस जो है बी साइन बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू यहां हो जाएगा आपको वन प्लस, वन प्लस ई कॉस बीटा, वन प्लस ई कॉस बीटा, ये आपको हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए इधर जब इसको आप ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपका a माइनस ई कॉस बीटा, कॉस बीटा और फिर प्लस b साइन बीटा इज इक्वल टू वन, ये आपका हो गया। तो इसको जैसे हम लोग मान लिए यहां सिक्स तक है, इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन सेवन
और इसको मान लिए हम लोग इक्वेशन एट, एट सेवन और एट इसको हम लोग मान लिए। तो इसको जल्दी से नोट करिए क्योंकि मिटाएंगे फिर हम लोग सेवन और एट से जो है वैल्यू फाइंड करेंगे ए और बी का। किस तरह से आपको पता है, यहाँ बी को पहले खत्म करेंगे, इसमें साइन बीटा से गुना कर देंगे, इसमें साइन अल्फा से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बी खत्म हो गया, ए से ए का वैल्यू निकल जाएगा, फिर इसको खत्म, इसको इधर से यानी खत्म, इसमें साइन बीटा कॉस बीटा से इसमें, इसमें कॉस अल्फा से, दोनों बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये खत्म, बीटा का वैल्यू निकल जाए, सॉरी बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू जब हमें मिल जाएगा तो हम लोग टू में इक्वेशन टू जो आपको आप माने हैं ये जो है एल बाय आर, ये कॉर्ड का इक्वेशन, इसमें पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे। चलिए अब देखिए, जैसे कि हम यहां करने वाले हैं, यहां सेवन में इक्वेशन सेवन, सेवन में हम लोग गुणा कर रहे हैं किससे, इसको खत्म करने वाले हैं, यहाँ साइन बीटा से कर देते हैं, यहाँ साइन अल्फा से, साइन बीटा से इसमें गुणा कर दिए, और फिर माइनस इक्वेशन एट जो है इसमें गुणा कर दिए हम लोग साइन अल्फा से, साइन अल्फा से, और माइनस कर दिए। तो आप देखिए ये यहाँ साइन बीटा से गुना हो गया, तो बी साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ साइन अल्फा से गुना हो गया, यहाँ भी बी साइन अल्फा साइन बीटा, ये दोनों बी भी खत्म हो जाएगा। आगे जो है इसमें बच जाएगा आपको a माइनस ई कॉमन आ गया, और इधर बच गया आपको साइन बीटा, और इधर गुना हुआ है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू इसमें गुना हुआ है आपको साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहां आपको क्या मिला है, इधर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा ये मिला है। तो अब आप देखिए ये आपका क्या हो गया, a माइनस ई, देखिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन a माइनस बी, तो ये आपका हो गया साइन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ साइन b, साइन a माइनस साइन b, तो इसको लिखेंगे टू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय टू इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाय टू, ये आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़े होइएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये क्या हो जाएगा, a माइनस ई, ये जो है साइन b, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, टू साइन बीटा माइनस अल्फा बाय टू इंटू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय टू, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहां जो है आपको हो गया, सॉरी यहाँ भी बीटा माइनस अल्फा बाय टू हो जाएगा, दोनों सेम ही है। उसके बाद बराबर ये हो जाएगा आपका टू कॉस बीटा प्लस अल्फा बाय टू इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाय टू, ये आपको हो गया। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां से टू और ये टू खत्म हो जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फा बाय टू, साइन बीटा माइनस अल्फा बाय टू यहां से खत्म हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग a माइनस ई का जो है कितना वैल्यू आ गया, ये आपका हो गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू ये जो है वन बाय कॉस थीटा उधर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया सेक बीटा माइनस अल्फा बाय टू। तो ये आपका, और a का वैल्यू यदि हम पूछेंगे तो a बराबर आप बोलिएगा e प्लस ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू सेक बीटा माइनस अल्फा बाय टू, ये निकल गया आपको ए का वैल्यू। अब इसी तरह हम लोग बी का वैल्यू निकालेंगे, तो बी के वैल्यू के लिए सेवन में जो है यहाँ कॉस बीटा से यहाँ कॉस अल्फा से गुणा कर देंगे और घटा देंगे, ये खत्म हो जाएगा। तो इक्वेशन सेवन में हम लोग गुणा कर रहे हैं किससे, कॉस बीटा से, और माइनस कर रहे हैं इक्वेशन एट में जो है हम लोग गुना कर रहे हैं किससे, कॉस अल्फा से। तो जब घटा देंगे गुना करके तो आप देखिए ये हो जाएगा आपका बीटा, इधर बी इधर कॉमन हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपको साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा
माइनस कॉस, यानी यहाँ पर है कॉस अल्फा से गुना हुआ है इसमें, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और ये है इधर माइनस हो जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, इसे गुना हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए। तो अब देखिए जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये कितना हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हो गया आपको बी साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया इज इक्वल टू ये कॉस ए माइनस कॉस बी हम लोग करेंगे तो ये होता है टू साइन बीटा प्लस अल्फा बाय टू और इंटू सॉरी साइन ही होता है इसमें साइन बी माइनस ए, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बी साइन, ये इस तरह से हो जाएगा टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये हो गया इज इक्वल टू यहां आपको हो गया टू साइन अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, बाय टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा ये खत्म हो गया, टू से टू आपका ये सॉरी टू से टू आपका खत्म हो जाएगा यहां से, तो इधर बच गया बी का वैल्यू, यदि हम पूछेंगे तो बी बराबर आपको मिल गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, और ये इधर चला जाएगा वन बाय कॉस यानी थीटा, तो ये सेक में बदल जाएगा सेक अल्फा माइनस बीटा बाय टू। आप ऐसा करिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इम्प्लाइज में हम थोड़ा सा करते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू, अब देखिए सेक यहां पर बीटा माइनस अल्फा है, इसको भी बीटा माइनस अल्फा कर लीजिए, तो सेक माइनस यदि हम बाहर ले लेते हैं बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉमन ले लेते हैं बटे टू, तो आपको पता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सेक माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, तो ये आपका बी बराबर आपको मिल गया बी बराबर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू, ये मिल गया सेक सेक बीटा माइनस अल्फा बाय टू, तो हमें ए और बी दोनों का वैल्यू मिल गया। अब इक्वेशन टू में हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू जो है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको जो है ए और बी का वैल्यू जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बना लीजिएगा खुद से। आइए आगे चलते हैं, अब फ्रॉम टू इक्वेशन टू मेरे पास है, टू जो है मेरे पास ये दिया हुआ है कि L by R is equal to A cos theta plus B sin theta, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे ये हो जाएगा L by R is equal to A, A का वैल्यू ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम इससे गुणा कर देते हैं, इसका वैल्यू यहां रखते तो ये हो जाएगा जाएगा E cos theta plus इसमें गुणा हो जाएगा cos alpha plus beta by 2 into sec बीटा माइनस अल्फा बाय टू इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, और फिर प्लस यहां हो जाएगा बी का वैल्यू कितना है ये आपको इसको मिटा देते हैं, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपको है साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इंटू सेक बीटा माइनस अल्फा बाय टू इंटू साइन थीटा, ये गुणा हो गया इसमें जो है। तो अब आप देखिए इसको मिटा देते हैं, तो अब आप इसको देखिए ये कितना आसानी से हो जाएगा, तो ये जो है आपका हो गया एल बाय आर इज इक्वल टू ये हो गया ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फा बाय टू, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू कॉस
अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये हो गया। और फिर जो है प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये आपको हो गया। तो इसके बाद जो है हम ये लिख सकते हैं एल बाय आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक बीटा माइनस अल्फा बाय टू, और ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय टू, ये आपको इस तरह से ये बन गया, ठीक है। अब आप देखिए कि ये तो इक्वेशन आप टेंजेंट कॉर्ड निकल गया, यानी फिगर हम थोड़ा सा आपको समझाएं। तो जैसे कि ये बताए थे कि पी पॉइंट आपका यहां है, समझने का प्रयास करिएगा कि पी पॉइंट आपका यहां है आर वन अल्फा, और जो है ये क्यू पॉइंट आपको है आर टू बीटा, ये पॉइंट है। तो ये जो इक्वेशन निकला है, ये जो गिवन इक्वेशन निकला है, ये निकला है इस कॉर्ड का। इसमें जब हम बोलेंगे कि आप Q को थोड़ा इधर इधर लाते जाइए, इस पॉइंट पर इधर लाते जाइए, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जब Q पॉइंट पूरा पूरा P पर आ जाएगा, जब Q पॉइंट पूरा पूरा P पर आ जाएगा तो ये लाइन इस तरह का हो जाएगा, यानी P पर एक टेंजेंट के रूप में हो जाएगा। और ऐसा तब होगा जब ये जब Q पॉइंट P पर आएगा तो उस केस में अल्फा एंगल जो है बीटा एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यदि हम बात करें तो आप ये बोलिएगा ये तब पॉसिबल होगा जब अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। तो जब अल्फा बीटा के बराबर हो जाएगा तो आप ये बोलिएगा एल बाय आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस, देखिए यहां पर सेक दोनों को हम यदि अल्फा अल्फा ही बना दें तो सेक अल्फा माइनस अल्फा बाय टू यानी जीरो हो गया, सेक जीरो हो गया ये, इंटू कॉस ये हो गया थीटा माइनस ये अल्फा प्लस अल्फा यानी टू अल्फा बाय टू हो गया, टू टू यहां से खत्म हो गया। तो आपको देखिए यही मिल गया एल बाय आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस सेक जीरो का वैल्यू वन होता है, ये आपका हो गया कॉस थीटा माइनस अल्फा। यही हम बता रहे थे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो आप निकाले थे उसमें यदि यहाँ पर सिर्फ बीटा का वैल्यू दिया हुआ था सेक बीटा, यदि बीटा को हम जीरो कर देते हैं तो यहाँ जो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है बदल जाता है आपका किसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। तो हम लिख देते हैं विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of tangent to the conic at point whose vectorial angle is alpha, इसका vectorial angle क्या है, alpha है। तो ये इक्वेशन आप जो है आप माइंड में सेट रखिएगा, थोड़ा सा लंबा है आप दो बार बनाने का प्रयास करिएगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देखिए जिसमें ये थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ाए हैं, तो लेकिन फिर भी आप यदि इससे पहले वाला वीडियो देखें वो बिल्कुल स्लो हम पढ़ाए हैं, तो उसको देखने के बाद इसको देखिए कोई परेशानी नहीं होगा, आपसे पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।